नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को चुमे। और अभी गेम लोड हो रही है, तो इससे पहले के गेम लोड हो जाए मैंने सोचा मैं तुमको बता देता हूँ कि आज हम माइनक्राफ्ट में बहुत कुछ यूनिक करने वाले हैं। और ओ माय गॉड, इससे ज्यादा घटिया बायोम नहीं मिल सकता था हमें। सो बेसिकली आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, बट देर इज अ ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स, विच बेसिकली मींस के अभी एक मिनट के बाद जो है ज़ॉम्बीज़ जो है स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मैं इंट्रो जो है वो स्टार्ट होने से पहले ही कर रहा था, क्योंकि जब तक ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे तब तक मैं चाहता था कि मैं इंट्रो देख के एटलीस्ट बेसिक सामान जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दूं। अब होगा क्या, तुमको पता ही है वो जो एक मॉब होता है माइनक्राफ्ट का, जो ऐसे हाथ आगे को करके करते हुए भैया भैया कुछ खाने को दो वो करते हुए जो है वो आ जाते हैं, तो वो जो है अब बहुत ही ज्यादा तादाद में स्पॉन होने वाले हैं। दिन में स्पॉन होने वाले हैं, रात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिन में जलने नहीं वाले। यूजुअली ज़ॉम्बीज़ जो है वो दिन में जल जाते हैं, लेकिन वो नहीं जलेंगे। एंड उसके बाद भी बहुत कुछ है कि वो बढ़ते जाएंगे, और 20 मिनट तक मेरे को ये वाला मोड जो है सर्वाइव करना है। एंड अगर मैंने कर दिया तो मैं बन जाऊंगा द अल्टीमेट चैंपियन। और बेसिक हमने यहाँ पे और आ गए हैं पहले ही। अरे अरे, पहले फटके में डेढ़ हार्ट गया। ओके, एक हार्ट गया। कितने आए हैं अभी यहाँ पे 5 आ रहे हैं। ओके, नो वरीज। सो आई हैव अ प्लान, एंड दैट प्लान इज कि अगर मैं पानी में निकल लूंगा तो ज़ॉम्बीज मेरे को पानी में तो आई डोंट थिंक सो पीछे कर पाएंगे, लेकिन मैं उससे अपना कुछ सामान भी नहीं बना पाऊंगा। सो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अपने लिए एक बेस बना सकता हूँ। लेकिन उसके लिए ओ माई गॉड, तेल लेने जाओ तुम सब गधे कहीं के। अभी तो सिर्फ 5 ही हैं, 4 है एक्चुअली में। एनीवेज, तो अभी हम क्या है उस तरफ आइलैंड के चलते हैं, एंड सबसे पहले खाना इकट्ठा करते हैं क्योंकि खाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एनिमल्स, वेयर आर यू, यू वांट टू प्ले हाइड एंड सीक? एंड उसके बाद हमको डर्ट वगैरह भी इकट्ठी करनी है। मैं सोच रहा हूँ अपने लिए घर वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं आसमान में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी आसमान जो है वो सेफ होगा। लेकिन जो मैं रूल्स पढ़ रहा था उसमें ये लिखा था कि आसमान में भी ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं, तो हम आसमान में भी सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सॉरी पिगी, लेकिन मेरे को ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स सर्वाइव करना है। अरे सॉरी गाय, आई एम सॉरी। ओ शिट। हाँ, बाय द वे, अगर मैं एक भी बार मर गया तो गेम ओवर है, तो मेरे को एक भी बार नहीं मरना। अरे यार, इस गाय को मारने के चक्कर में मैं मर जाऊंगा। तो अभी मेरे को इन ज़ॉम्बीज से थोड़ा दूर जाने का है और खाना पकाने का है, लेकिन वो कैसे पकाऊंगा मैं? पहले तो कच्चा ही खाना खा लेता हूँ, ऐसे ही मर जाऊंगा मैं। आ रहा है वो, इधर ही आ रहा है, अभी आसपास तो नहीं ना। ओके, उधर मेरे को जो है पहाड़ दिख रहे हैं, तो मैं पहाड़ को तोड़ के कॉबल स्टोन वाले इक्विपमेंट्स भी बना सकता हूँ। अरे वाह, No, God, please, no! अरे वाह, थैंक्स, आप मिले जिंदगी में, बाहर मिल गई। ओके, वे क्या कर रहा है? ओके, सो मैं पानी में बैठ के इधर को चले जाऊंगा, तो ये गधे जो हैं ये तैर के आते रहेंगे, उतनी देर में मैं आराम से अपने लिए बहुत चीजें बना लूंगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कॉबल स्टोन तोड़ लेते हैं। ओके, अब मेरे यार क्राफ्टिंग टेबल के लिए लकड़ी वेस्ट करनी पड़ रही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, पहुंच गया यार, ये तो बगल में पहुंच गया। ओ आयरन, आई सी आयरन। ओके, इस पे बैठ के ये बनाई हमने एक पिकैक्स, और इसी से ही तोड़ लेते हैं आयरन। कॉबलस्टोन थोड़ा और ले लेते हैं ताकि फर्नेस बना सकूं मैं। तू इधर आ, तेरे को मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ है? पानी वाला ज़ॉम्बी भी आ गया क्या? पॉइंट ये था कि मैं पानी में भी नहीं बच सकता, क्योंकि अगर मैं पानी में रहूंगा तो पानी वाले ज़ॉम्बी स्पॉन होने शुरू हो जाएंगे। ओ शिट, मेरे को भागना पड़ेगा। अरे अरे, पानी वाले ज़ॉम्बी भर गए यहाँ पे। हार्ट मेरे वैसे ही कम है। ओके, मेरे को कोल चाहिए, और विद टाइम जो है 5वें मिनट के बाद ज़ॉम्बी स्पॉन होने की तादाद भी बहुत तेज हो जाएगी, और 10वें मिनट के बाद तो ये इतनी तेज पैदा होंगे कि मैं शायद बच भी ना पाऊं। ओ माय गॉड, क्या बचाऊं, तेल लेने जाओ तुम। मगर क्यों, मैं इनको मारने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इनको मार के कुछ नहीं होने वाला। ओके, मैं जल्दी से, अरे यार लकड़ी नहीं है फिर से। मैं पहली बार मैं ऐसा कोई सर्वाइवल वाला चैलेंज कर रहा हूँ। नमस्ते। ओ नो, अरे आ गए भैया लोग, आ गए भैया, खाना दे दो। और ये ज्यादा तेज नहीं चल रहे नॉर्मल से। चिकन, ओके, नाउ आई हैव इनफ फूड। लकड़ी मिल गई। कमोन, तेज। आउच, कसम से बिल्कुल ड्रीम वाली फीलिंग आ रही है, मैनहंट चल रहा है, बस मैनहंट जो है ज़ॉम्बीज कर रहे हैं। ओके, सो अभी मेरे दिमाग में जो आइडिया, आई डोंट इवन नो वो वर्क करेगा नहीं करेगा।
ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड टू रीच यू. है, अरे पत्थर कौन पड़ गया. नदियों पार सरण दा टाणा, इना ज़ॉम्बी तो बच के जाना. नदियों पार सरण दा टाणा. See you later, nerds. Okay, जल्दी से. आ, ये क्या हुआ है? अरे, माँ की कसम, what just happened? अरे वो पूरा ब्लास्ट कर दिया, ज़ॉम्बी निकला अंदर से. ये तो नहीं होना चाहिए था. मेरे को एक कॉबलस्टोन दे दो. अरे, आई. अच्छा चल, अब ज़ॉम्बी जो है वो पानी में ज्यादा तेज स्विम नहीं कर पाएगा. उतनी देर में मैं ये पका लेता हूँ, इसको यूं रख लेता हूँ, इसको यूं रख के इसके अंदर कॉबल्स ये लगा के और खाना पकाओ जल्दी. और मीनवाइल मैं वो आयरन है लेकिन ये ज़ॉम्बी है ना सामने. अरे जल्दी पक. अरे ये ब्लास्ट कर रहे हैं ज़ॉम्बीज भाई. चीजें उसने देखा तुमने, वहां पे पूरा एरिया ये चपटा कर दिया एकदम. ओके, गिव मी आयरन. वो तो पानी का भाव इतना तेज है कि वो उस तरफ को खींचे जा रहे हैं. ये बढ़िया हो गया मेरे लिए. ओके, इसके अंदर लगा दो जल्दी से आयरन. लुक अबव यू, दे रेन फ्रॉम द स्काई नाउ. ये क्या है? शेट. मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा. और स्केलेटन्स भी है यहाँ पे. ओ माय गॉड, मैं बेयरली सरवाइव कर रहा हूँ और मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा. मेरा खाना वाना तो सब रह गया, मैं कहाँ फंस गया हूँ. ये क्या है यहाँ पे भाई? ब्लू व्हेल. उधर जाना सेफ है क्या? ओ शिट. एक तो रात का टाइम है, ऊपर से स्केलेटन भाई मकड़ियों पे बैठ के आ रहे हैं, पीछे ज़ॉम्बियों की पूरी आर्मी है. अम्मा, अंधेरे से डरता हूं. बच्चे वाले भी ज़ॉम्बी आ रहे हैं. ओ यार, मेरे को एक आयरन और चाहिए. बकेट तभी बना पाऊंगा ताकि मैं इनफाइनाइट कोबलस्टोन जनरेटर बना सकूं. यार एक आयरन. अरे और ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं. ओके. जितना फ्री मेरे को मिला है अभी तक, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम. इसमें क्या करेंगे हम, जल्दी से हमने बनाना है एक शवल बना लेते हैं. ये बनाते ताकि हम पत्थर इकट्ठा कर सैंड इकट्ठी कर सके. ये मैं पत्थर नीचे लगा रहा हूँ ताकि ये गिरे ना. ठीक है, अब इसको हम ऊपर से मार सकते हैं. ये भाई, इस एक को मारने आया, उसकी पूरी सेना आ गई. बोट में बैठते हैं एंड निकलते हैं उस तरफ. बाय बाय चप्पू. अरे ये क्या हुआ है? ओह, मेरे पानी में मेरे ऊपर स्पॉन हो गया भाई. तू आ. फाइनली एक तो मारा. अगर मेरे को इसकी सैपलिंग भी मिल जाए तो भी काम हो जाएगा मेरा. तो लकड़ी तो आई जाएगी ना, ऊपर जिंदा तो रह लूंगा, लेकिन 20 मिनट में लकड़ियां इतनी सारी होती हैं. अरे पूरा ही फाड़ दिया और मेरी भी फाड़ दी. अरे मकड़ियों, तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं जा रहा आसमान में. मकड़िया ऊपर चढ़ सकती है, ये तो मैं भूल गया था. पहले मकड़ी मारनी पड़ेगी. अरे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है यार, मकड़ी तू कहाँ आ रही है? मैं मर गया. डोंट टेल मी ये भी ऊपर चढ़ सकते हैं. डोंट टेल मी अभी तक तो नहीं चढ़ रहे. ओके, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था और बचने का, ऊपर आने की जगह. अभी मेरे पास बिर्च लॉग है, तो व्हाट आई कैन डू इज दिस, देन क्रिएट दिस. ठीक है, इससे ये बनाता हूँ. ठीक है, इसमें लगाते हैं चिकन और चिकन को जलाते हैं बिर्च वाली लकड़ियों से. मुझे ऐसा क्यों लगा कि आसपास से कहीं से ज़ॉम्बी गिरता हुआ गया है? ओह, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, तू डर्ट के अंदर कैसे आ सकता है? पहले कोबलस्टोन के स्लैब्स ताकि आई हैव मोर एरिया.
स्लैब्स बना के बस एरिया बनाने लगा था, ऊपर से गिर गया और मुझे धक्का मार के मुझे गिरा दिया। एंड यू नो व्हाट, सबसे बड़ी बात, मैंने अपने आप को नीचे गिरते गिरते बचा लिया था, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी कम थी कि उतनी सी फॉल में भी मैं मर गया। ये देखो मैं आसमान में कैसे अटका हूं वरना। चीटिंग करता है तू। शिट। आई थिंक वी स्टिल कंटिन्यू, जब तक डेवलपर का मैसेज नहीं आ जाता कि तुम हार चुके हो या ऐसा कुछ, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं। ये भी ठीक है। ये दे दो, दे दो, दे दो। पहली बारी तो वैसे भी कच्ची मिट्टी होती है, टेंशन क्या है, रख, टेंशन कोई नहीं है। आने दो, लकड़ियां बताता हूँ तुम्हें, एक बार लकड़ी आ जाए, आयरन आ जाए, बस फिर ऐसी स्काई बेस बनाऊंगा। आड़ो, ये देखो ना, आह, ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया था मैंने। ओके ओके ओके, क्राफ्टिंग टेबल बना दिया, स्टिक्स बना ली, एंड अब भागो। खाना चाहिए था, खाना मिल गया भाई, मस्त। ये क्या आयरन, इतना इन्होंने ब्लॉक्स दे दिए हैं, फट फट के आसपास लकड़ी आ जा, मेरे को सिर्फ आयरन ढूंढना है, दैट्स इट। ओह शिट, ये क्या। ओके, मेरे पास अभी जो भी है मैं इसी में जिंदा रहने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ रख देते हैं, एंड अपनी जो हम बेस बना रहे हैं ना, इसको चारों साइड से कवर कर देते हैं, मेरे को ये लग रहा है इस तरीके से। पर एक सेकंड, अगर ये ज़ॉम्बीज वगैरह ब्लॉक तोड़ के स्पॉन हो सकते हैं तो ये तो मेरे को आसमान। लास्ट चांस, अभी फाइनल, फुल एंड फाइनल, ठीक है। अभी समझ आ गया है हमको कैसे पार करना है, अभी एक बारी में फुल एंड फाइनल। मेरे को सामान इकट्ठा करने की जरूरत है ही नहीं, ज़ॉम्बीज आसपास फटेंगे, मैं सिर्फ वाटरमेलन इकट्ठे कर लेता हूँ। मस्त प्लान है, थोड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चप्पू कहीं के, तूने सारा मेरा जितने भी मेरे को चाहिए थे लकड़ी वकड़ी सब दे दिया है। कैन दे डू दैट? आई डोंट थिंक वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद बनाई हमने एक बोट बनानी है, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। अब मेरे को ये बोट लेना है और सीधा पानी में छलांग लगानी है। मैं ये लेके निकलूंगा, मैं खाना खाऊंगा। अब मैं समझ गया कैसे पार करना है। तो मैं ये वाले एरिया से दूर जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पहले विलेज ढूंढने, ताकि मैं विलेज ढूंढ के उसको लूट सकूं, उससे आयरन वायरन इकट्ठा कर सकूं। खाना चाहिए था ना, वो दिख गया खाना। मैं तो पानी में रह रहा हूँ, मैं ना जा रहा कहीं, पानी में क्या ही कर लेंगे ये लोग। नीचे कुछ है, ये का है? आए हाय, आए हाय, इतनी गंदी लूट। मैं क्या कोल लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। कोल और गोल्ड नगेट पड़े थे अंदर, छी छी। रात का वक्त हो गया है, पहली रात ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में अच्छे से व्यतीत नहीं हो रही है, बट हम सेफ है। Are you sure about that? And I think पानी में रहना इज द वे। अरे पीछे रह, अरे सालो, मैं एक सेकंड के लिए क्या रुक गया, मारने आ गए मेरे को, मेरी बोट पे बैठना है मेरे को, मेरी बोट डूब गई। लीव मी अलोन वाला वो होना चाहिए चीट कोड, जैसा GTA में होता है ना, लीव मी अलोन। मैं जा रहा हूँ भाई, क्या हुआ है ये पीछे अभी मेरे, क्या हुआ है ब्लास्ट वाली आवाज़। One eternity later. यार मेरे को ना कोबलस्टोन चाहिए ताकि मैं खाना पका सकूं, बस इस चीज के लिए कोबलस्टोन मांगा देने वाले ने छप्पड़ फाड़ के। बाबूजी, कुछ भी बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। बाबूजी इधर धीरे चलो, बिजली खड़ी है, यहाँ बिजली खड़ी। थोड़ा बदन शोलो की लड़ी, अरे गिरी 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 बिजली गिरी, इस पे गिरी उस पे गिरी लो गिर पड़ी। लकड़ी की बना लेते हैं इसको, कोबलस्टोन की पिकैक्स, लकड़ी खत्म। शिट, वो देखो, ओ भाई इतनी सारी लूट, वाओ। इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कैसे पैदा होके एकदम से स्पॉन होके मेरे को इतनी सारी लूट दे रहे हैं। पानी में रहेंगे जिन, अच्छा अच्छा अच्छा, पानी में भी ब्लास्ट करके पैदा हो गए तुम, आ जाओ भाई आ जाओ, फिर हो जाए। आ देखे जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे ज़ॉम्बिया, आगे निकल गए हम तो बोट में तुम तो पीछे। अरे डॉल्फिन चचा नमस्ते, जरा हमको तैराओ यार, तैराओ अपने साथ तैराओ। मैं तो जल परी हूँ, बड़ी तेज उड़ती हूँ, मैं
तो जल परी हूँ, डॉल्फिन की प्रेजेंस में मैं तेज उड़ती हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा का पूरा ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स भाई पानी में निकाल दूंगा। आ जाओ चारों तरफ से आ जाओ, स्काई बेस बनाने का आइडिया था मेरा, फेल है भाई वो, देखी जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर जगह से आ जाओ भाई, विलेज में विलेज टेम्पल ही मिल जाए, आई मीन डेजर्ट में डेजर्ट टेम्पल। डेजर्ट मेरा फेवरेट बायोम है, लेकिन इस डेजर्ट में तो कुछ है ही नहीं, नेवर माइंड। ओ मैं देख यहीं पे बोट पार्क करके, अरे मेरा ऊपर ऊपर स्पॉन हो गया यार, ऐसा मत करो भाई, दिल से बुरा लगता है। सी आई थिंक पानी में रहना ना एक तरीके से गेम को हैक करने जैसा है, एंड मैं हैकर नहीं हूँ यार, मैं इज्जत के साथ खेलना चाहता हूँ। लाइक सीरियसली पानी में रहना एक तरीके से चीटिंग हो रही थी, क्योंकि मार ही नहीं सकते वो पानी में, मैं बोट पे इधर उधर तैरता रहूंगा, क्या कर लेंगे मुझे, मार ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं धरती पे वापस आ गया हूँ। Game over. Your game mode has been updated to creative mode. Yes. Game over. Yes, guys. As I said, के पानी में रहना cheating है. मैं actually मेरे को realize नहीं हुआ कि time खत्म हो गया. मैं बाहर आया जैसे ही पानी से. मैंने सोचा कि game को cheat नहीं करते क्योंकि पानी में रहना is low key cheating यार. But वो तो सिर्फ मेरा big brain ही है ना. तो इसलिए हमने निकाल लिया ऐसा hack. वरना normally तो आसमान में sky base बनाने वाला plan मैं कर ही रहा था, जिसमें मैं दो बार मर गया. अरे जान आप, तू मेरे को कुछ नहीं कह सकता. गेम ने खुद मेरे को creative mode में डाल दिया. चल भाग यहाँ से. So that was Minecraft, but a zombie apocalypse is happening. Anyways, guys, I hope you guys enjoyed this Minecraft zombie apocalypse. I enjoyed this video. If you want more such Mods Valley videos, so make sure to like. 4 lakh likes कर दोगे तो दिल को अच्छा लगेगा. बाकी तुम्हारी मर्जी है. I'll see you guys in the next video. तब तक के लिए, thanks for watching.